ये देखिए प्रीमियम रूम्स जो आप पूरा वुडन वर्क हो रखा ना यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि गैडगिल होम स्टे नारकंडा के पास रिमोटली प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो आज जो है हम आपको इनके प्रीमियम रूम्स दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ हमारे हिमांशु जी हैं जो ओवरऑल सब कुछ देखते हैं, फूड का भी और जो कस्टमर हैं उन सभी को भी ये देखते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये देखिए, ये जो इनके रूम्स हैं ये वाले सबसे कॉस्टली हैं, प्रीमियम रूम्स हैं। भैया कैसा है फीडबैक इनका, आता है कस्टमर यहाँ पे काफ़ी? बिल्कुल सर, फुल रहता है, फुल सर, आज भी देखो सर। अच्छा, तो शाम तक ही फुल हो जाएगा? हाँ जी सर, बस ऑन द वे ही है सर। ओके, पहुँचने वाले सर। तो वो आपको मैं 2500 वाले और 3500 वाले जो रूम्स हैं मैं दिखा चुका हूँ, ये इनके प्रीमियम रूम्स हैं। और ये हाइट पे भी है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ से व्यू थोड़ा बेटर होगा? बेटर है सर। ओके, तो आइए जब इनके आपको प्रीमियम रूम्स है वो दिखाते हैं। एक बार यहाँ से आप व्यू चेक कीजिए, सारा आपको नारकंडा यहाँ से दिखाई देगा। ये देखिए सामने आप पर बाग है, थोड़ी हाइट पे है ना ये? हाइट पर है, थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा हल्का ही है। तो जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ से इनकी, अच्छा यहाँ पे पर्सनल बालकनी है ना? हाँ जी सर, हर रूम की पर्सनल बालकनी है। ओके, थोड़े ये प्रीमियम बालकनी है वहाँ से है ना, जैसे झूला वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, थोड़ी बड़ी है सर उससे ना। ओके, अंदर तो ये एंट्री ऐसे है यहाँ से? हाँ जी सर, एंट्री यहाँ से। वाह क्या बात है, सिटिंग एरिया हो गया सर। ये साझा है, सबका कोई भी बैठ सकता है यहाँ पे है ना? नहीं, निचले वाला फ्लोर वाले यहाँ बैठ सकते हैं सर। अच्छा, ये और ये वाले? हाँ जी सर, ये रूम हो गए सर। ये आपके सबसे कॉस्टली रूम है? सबसे कॉस्टली रूम है सर। ये देखिए प्रीमियम रूम्स जो आप पूरा वुडन वर्क हो रखा है ना यहाँ पे, वुडन है सर, क्या बात है, शानदार। और ये देखिए टीवी वगैरह बड़ा लगा रखा है यहाँ पे, अगर ये कॉस्टली है यहाँ पे टीवी बड़ा लगा रखा है ना? नहीं नहीं सर, क्या बात है। नहीं ठीक है यार, प्रीमियम फील कस्टमर को होना चाहिए जो आपको पे कर रहा है ना। हाँ जी सर, क्या बात है। और ये देखिए यहाँ से आपको पूरा नारकंडा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, वो सारा आपको मतियाना दिखेगा वहाँ से, एप्पल के बग। हमारा रूम वो रहा जो हमने वहाँ पे लिया है 2500 में, और यहाँ पे आप ये देखिए एक हर एक बाल, ये हर एक बालकनी में दे रखा ना ये चीज़ आपने, हर बालकनी। तो ये भी सारा फूल है आज यार, ये तो बहुत कम्फर्टेबल है। तो ये देखिए दोस्तों, बस पैसा स्पेंड कर रहे हैं आपने गैडगिल होम स्टे में, फैसिलिटी आपको बढ़िया मिलेगी यहाँ पे। हर एक फूड का यहाँ के सबसे बड़ी बात है, जो फूड है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ये भी सारा वुडन टाइल्स है ये नीचे? हाँ जी सर, टाइल्स है। ओके, तो रूफ टॉप का रास्ता ऊपर वाला, इसका इसका बाथरूम दिखाना है, इसका बाथरूम और हमारे वाले में भी फ़र्क है फिर दोनों में? बाथरूम मतलब ये है कि अगर थोड़ी बड़ी फैमिली हो उनके लिए भी सही है ना ये? हाँ जी सर, ये ड्रेसिंग रूम टाइप हो गया ना ये? वाह, वॉशरूम छोटा है पर ये पूरा लग्जरी बना रखा है ना यार ये। अच्छा, ये वाली रूम जो है वो सबसे कॉस्टली है ना? हाँ जी सर। ऊपर भी बड़ा अच्छा सा डिजाइन बना रखा है इन्होंने है ना। ये देखिए दोस्तों, आपको पूरा यहाँ पे वुडन वर्क मिलेगा हर एक, ये टीक प्लाई है ना ये हमारे यहाँ, वहाँ पे टीक प्लाई बोलते हैं, पड़तल की लकड़ बोलते हैं इसे ना, काफी कॉस्टली। अच्छा, ये मैंने अपने घर में ये लगा रखी है पड़तल की लकड़, वुडन लकड़। हाँ, दीवार की लकड़ ना, बढ़िया। तो मतलब इस प्रीमियम रूम में ना दोस्तों आपको कितना रेंट है भैया इनका रूम का बताना हमारे व्यूअर्स को? यहाँ देखो सर, लिखा हुआ है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सिंगल बेडरूम का टैरिफ डबल बेडरूम का 4500 पर रूम पर डे, क्या बात है। चलिए तो भाई अब आपको जो है रूफ टॉप की तरफ लेके चलते हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं पिछले का जो बैक यार्ड है। ओके, अच्छा तो यहाँ से सीढ़ियाँ चलती हैं, वाह यार क्या बात है। तो यहाँ पे भी गेम्स रूम्स का पूरा सीन है इसका मतलब है ना? हाँ जी सर। फैन की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, इतनी ठंड होती है। तो ये वाला एरिया भी कोई भी एक्सेस कर सकता है? हाँ जी सर, कोई भी, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको व्यू दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ से बालकनी का व्यू, और यहाँ पे भी आपको एक झूला और बालकनी दिखाई देगी।
ये प्रीमियम रूम्स हैं गैडगिल होम स्टे। पहले तो मैंने नाम ही प्रोनाउंस सही नहीं किया, वो तो मुझे बाद में पता लगा। वाह क्या बात है, ये इनके अब सबसे कॉस्टली रूम है, प्रीमियम रूम्स जिसको बोलते हैं। और अगर यही रूम्स आप शिमला में देखे गए ना, तो वहाँ पे आपको ये रूम 10-10 हज़ार से कम नहीं मिलेंगे। लेकिन आप नारकंडा से थोड़ा सा 20-21 मिनट पहले ये होम स्टे है जहाँ पे आपको ये प्रीमियम रूम्स की सर्विस मिलेगी। ये देखिए कितनी सुंदर बालकनी है, हर एक रूम के साथ सेपरेट बालकनी, सेपरेट झूला, सेपरेट कॉफ़ी टेबल आपको वो देखिए दिखाई देगा। और व्यू चेक करें, हाइट होने के कारण थोड़ी हवा भी है ना ठंडी आती है ऊपर पे। ये देखिए शब्दों से परे है इस खूबसूरती के, मैं तो इस होम स्टे का फ़ैन हो गया। मतलब बंदे ने इतना दिल से मतलब काम किया ना, स्टाफ बहुत हम्बल है, सबसे बड़ी बात है। जो स्टाफ है ना, आप कितनी बार भी उनको मतलब बोल देंगे ना हमें भैया चाय ला दो या कुछ भी हो, कभी आपको ये ना करेंगे ही नहीं। हाँ आपको टाइम के अकॉर्डिंग, गेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा वेटिंग करना पड़ सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की जो यहाँ पे है वो कमी रखी नहीं हुई है इन्होंने। मतलब प्रीमियम रूम्स हैं मात्र 4500 में। बाकी फूड का जो इनका परांठा वगैरह का प्राइस है वो भी बड़ा जेन्युइन से गोभी का परांठा, ब्रेकफास्ट में आपको पोहा मिलेगा, एग भुर्जी वगैरह, एग परांठा कुछ खाना हो आपने तो वो भी आप ले सकते हैं। ये बैकयार्ड का जो है वो काम चल रहा है रिपेयर का। तो लंच भी इनका बहुत टेस्टी, मैंने तो इनका पूरा पैकेज लिया हुआ जिसमें कि मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और डिनर भी इंक्लूड है। तो मुझे वो जो पे करना है वो 2500+ मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर का है, यानी कि मुझे 3500 पर डे पे करना है। देखिए मेरे जो रूम है वो जो सबसे नॉर्मल रूम्स हैं वो रूम्स हैं मेरे वाले। तो ऊपर का भी यार जाने का रास्ता भैया। हाँ जी सर, चलो आइए, मुझे तो पता नहीं था, आइए व्यूअर्स अब आपको जो है ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। ऊपर में क्या चीज़ है? ओके मैं गया था और ऊपर वापस आ गया, मुझे लगा शायद रिपेयर का काम चल रहा है। चलिए आइए। तो ये सारा बुक है आज? जी सर सारा बुक है सर। क्या बात है यार, ऊपर भी ये पूरा काम जब डन हो गया तो ये तो और सुंदर हो जाएगा है ना। हाँ जी सर। तो ये देखिए रूफ टॉप में जो है हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल हाइट पे है ना इस टाइम हम। तो हवा का भी फर्क आता है ना, जितनी ऊपर आप जाओगे उतनी ठंडी हवा लगती है ना। ये देखिए झूले वगैरह यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे, चेयर्स रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है फैमिली के साथ अगर आप हैं, आपके बच्चा है, लेडीज़ है, किसी भी चीज़ को आपको जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। हर फैसिलिटी यहाँ पे है, हर एक फैसिलिटी। लास्ट टाइम जो मैं आया था तो मेरी हेडेक बहुत तेज़ थी, भैया ने एक मिनट में मेरे को सेरा डाउन दे दी, मैं दवाई अपने घर पे भूल गया था। गीज़र का पानी 24 आवर्स अवेलेबल, लाइट भी अवेलेबल है ना हमेशा यहाँ पे। जी सर इन्वर्टर भी है सर। तो ये देखिए इन्वर्टर भी है अपना, इनका किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और लुक वाइज भी मतलब आपको तीनों रूम दिखा दिए मेरे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको, 2500 और 3300 वाले भी रूम बहुत शानदार थे ना, जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर वो बड़ा कोजी सा, बच्चों के लिए बहुत, बच्चों के लिए भी, कपल्स भी रह सकते हैं वहाँ पे बड़े, अगर जैसे दो कपल्स है ना, जैसे अगर फैमिली साथ आपकी बहन आई है। अच्छा बच्चे वो ऊपर चढ़ना, हाँ वो मेरा बेबी भी मुझे बोल रहा था वो। तो इस तरह आप देख सकते हैं, नंबर मैंने डाल दूंगा ऑनर का भी और हिमांशु का भी, जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। तो आप जब नारकंडा की तरफ जाएँ, भीड़ से दूर, क्राउड से दूर आपको मिलेगी ये जगह। रिमोटली प्लेस है, जो यहाँ की सबसे मतलब फेमस मैं कहूँगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब इतना हम्बल स्टाफ है, बहुत डाउन टू अर्थ स्टाफ है। और यहाँ का फूड मतलब एक बार आप खुद ट्राई करेंगे तो आप मान जाएंगे कि हाँ जी फूड वाकई बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी गर्म मसाले बड़े जेन्युइन है, लाल मिर्ची वगैरह कुछ भी तीखा ऐसा नहीं है। और टेस्ट में मतलब ऑथेंटिक हिमाचली फूड है। मैंने इनके शिडू भी ट्राई किया जिसका मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया और वो आप जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें इन्होंने शिडू बनाए थे। और मौसम तो भैया ऐसा है नारकंडा का, कभी बारिश कभी धूप और कभी छाँव और कभी धुंध आ जाती है यहाँ पर, तो हर तरह का मौसम है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका कि मैंने व्लॉग बना कर डाला हुआ है। ये देखिए रूम्स देखिए आप, मतलब ना बहुत अच्छे से यही रास्ता है ना बाहर जाने को। तो इस तरह दोस्तों आप चैनल से जरूर जुड़े हमारे हितेश शर्मा से, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। हर एक जो है वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, कुफरी का भी, मणिमहेश यात्रा, श्रीखंड महादेव की यात्रा अपलोडेड है, उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो अपलोडेड है, डिफरेंट फूड्स जो हैं ऑथेंटिक हिमाचली वो हमने अपलोड किए हुए हैं, पंजाबी कल्चर से रिलेटेड
चौकेडानी का व्लॉग डाला हुआ, राजस्थानी कल्चर जो है कसौली हाईवे के पास स्नो पार्क है उसका वीडियो अब हमने अपलोड किया हुआ है। तो चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाया करें दोस्तों, ताकि जो हर वीडियो की अपडेट है ना वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच सके।